दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 255 की ट्रेलर को नॉवल के जरिए डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर टेंशन श्रेक डेवल्स के साथ अपनी 8th एग्जाम को देने आया होता है, जहां पर आते ही टेंशन और डेमोनिक वाले किंग के दरमियान फाइट स्टार्ट हुई थी, जिसमें टेंशन ने अपनी 8 स्पाइडर लांस का इस्तेमाल करते हुए डेमोनिक वाले किंग को बहुत ही बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाई थी, जिसकी वजह से डेमोनिक वाले किंग अब ना चाहते हुए भी टेंशन से फाइट करने के लिए अपनी ह्यूमन बॉडी में आ जाती है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सारे श्रेक डेविल्स को दिखाया जाता है, जहां पर ज़ेवू टेंशन से कहती है, ब्रदर आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, जिसके साथ ही हम देखते हैं टेंशन और डेमोनिक वाले किंग को। अब इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर टेंशन डेमोनिक वाले किंग को कैद करने के लिए अपनी 8th स्पिरिट रिंग का यूज करता है, जो कि एक कंट्रोल एबिलिटी होता है। लेकिन जैसे ही टेंशन इस एबिलिटी का यूज करता है, तो उसी के साथ ही हम देखते हैं कि समुद्र में बहुत सारे क्रिस्टल बाहर निकल कर आते हैं और आते ही डेमोनिक वाले किंग को खेद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि डेमोनिक वाले किंग इस अटैक से खुद को बचा लिया है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि डेमोनिक वाले किंग अपनी एक पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से वहां पर पर्पल कलर के बिजली गिरने लगती है और साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव आर्मर क्रिएट होने लगती है। तभी डेमोनिक वाले किंग कहता है, मुझे हराना असंभव है, क्योंकि उस दिन सी गॉड ने ट्राइडेंट का इस्तेमाल करते हुए मेरी आंख पर अटैक किया था और तुम तो एक इंसान हो, क्या तुम खुद को सी गॉड समझ रहे हो? इस पर टेंशन उसे कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर आओ देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि डेमोनिक वाले किंग के हाथों में दो वेपन आ जाते हैं। यह वेपन्स देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। हम देखते हैं कि डेमोनिक वाले किंग टेंशन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। इधर टेंशन डेमोनिक वाले किंग की अटैक से बचने के लिए अपनी 8 स्पाइडर लांस का इस्तेमाल करता है और अपनी 8 स्पाइडर लांस से डेमोनिक वाले किंग की अटैक को डॉज करने लगता है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच एक आइकॉनिक लेवल की फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को बराबर ही टक्कर दे रहे होते हैं। तभी टेंशन कहता है, मुझे कोई भी डर नहीं है, गॉड पोजीशन को अचीव करने के लिए मैं सभी बाधाओं के खिलाफ भी सामना करने के लिए तैयार हूँ। जिसके साथ ही डेमोनिक वाले किंग दोबारा से एक पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एनर्जी से बनी बॉलर्स क्रिएट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जिसके अंदर टेंशन फंस जाता है और पानी में गिरने लगता है। ये देख कर मा होंग-युंग कहता है, अभी अभी मैंने देखा था कि वो रेड लाइट क्या थी, आखिर यह इतनी ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या टेंशन डेमोनिक वाले किंग का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता? इतना कहते ही आज का हमारा ट्रेलर एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।